प्रिय पिंकी, तुमरे अंदाज में तुमरी चिट्ठी का जवाब दे रहे हैं। तुमको पता है बवाल मचा दी हो, ऐसा लिखी हो कि पूरे भारत भर के लड़का लड़की सब एक दूसरे को चिट्ठी पढ़ा रहा है बोरिंग रोड। प्रिया पिंकी, तुमको पता है बवाल मचा दी हो, पूरे भारत का लड़का लड़की एक दूसरे को चिट्ठी पढ़ा रहा है बोरिंग रोड से लेकर पटना कॉलेज तक के लड़की सब व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई है पिंकी टेंशन में है, इसको प्यार चाहिए। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज वैलेंटाइन डे है, प्यार का मौका है, इजहार का मौका है और वैलेंटाइन डे पर एक खास प्रेम पत्र सामने आया है। जी हाँ, प्रभात बांदुल ने ये प्रेम पत्र पिंकी को लिखा है। पिंकी को प्रेम पत्र का जवाब प्रेम पत्र से दिया है। तो प्रभात बांदुल ने जो बातें लिखी है, दरअसल प्रभात बांदुल औरंगाबाद के हैं और जाने माने लेखक हैं। पिछले दिनों पिंकी ने एक लेटर के जरिए उनसे प्यार का इजहार किया था, तो आज प्रभात बांदुल ने लेटर लिखकर बकायदे सामने आकर पिंकी को उस लव लेटर का जवाब दिया है। प्रभात बांदुल ने क्या कुछ कह रहे हैं, पिंकी को क्या जवाब दे रहे हैं, ये पहले आपको सुनाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि पिंकी ने क्या कुछ लिखा था। पहले सुन लीजिए प्रभात बांदुल को, उन्हीं की जुबानी उन्होंने पिंकी को क्या कुछ लिखा है। प्रिय पिंकी, तुम्हारे अंदाज में तुम्हारी चिट्ठी का जवाब दे रहे हैं। तुमको पता है बवाल मचा दी हो, ऐसा लिखी हो कि पूरे भारत भर के लड़का लड़की सब एक दूसरे को चिट्ठी पढ़ा रहा है बोरिंग रोड से लेकर पटना कॉलेज तक के लड़की लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाई है कि पिंकी टेंशन में है, इसको प्यार चाहिए। हमरा पता है तुमको प्यार चाहिए, काहे कि तुम हिम्मत की हो, लेकिन प्यार से ज्यादा तुमको रोजगार चाहिए। तुम्हारा प्रपोज करने का तरीका हमको पसंद आया, हम इतना कमा लेते हैं कि तुमको बिना नौकरी के हाँ कर सकते हैं और तुमको तुम्हारा प्यार भी मिल सकता है, लेकिन हम तुम्हारा स्वाभिमान नहीं तोड़ना चाहते। तुम जब लिखी हो ना कि मेरी नौकरी होती तो हम लेखक को प्रपोज करते, ये बात करेजा में धक से लगा है और मन किया है कि कहें कि जिंदाबाद लड़की, तुमने गर्दा उड़ा दिया, यह दौर तुम्हारा है, नफरतों के बीच तुमने प्रेम चुना, तुमने चुना स्वाभिमान, तुमने चुनी बराबरी। तुम्हारी चिट्ठी हर उस लड़की के लिए हिम्मत है जिसने अपने बाबूजी को कहा है कि 2 साल रुक जाना पापा, जॉब ले लेवेदा, तब ब्याह करिया। इसमें कोई शक नहीं कि तुमने बनारस वाला इश्क के इस लेखक को चर्चा में ला दिया, इस प्यार के लिए भर झोला प्रेम। मैं तुम्हारा हम सफर तो नहीं बन सकता, पर साथी जरूर रहूंगा, किसी रोज हम नजर आएंगे पटना की सड़क पर तुम्हारी आवाज बनकर, और इंतजार है बिहार दिवस 22 मार्च का, जिस दिन शायद तुम मुझसे मिलने आओगी। इश्क जिंदाबाद रहे। सुन लिया आपने, प्रभात बांदुल सुना रहे हैं, उन्होंने लेटर लिख दिया है, पिंकी के लव लेटर का जवाब दे दिया है। दरअसल पिंकी ने पिछले दिनों तेजस्वी यादव के नाम लेटर लिखा था, बिहार के डिप्टी सीएम जो है उनके नाम लेटर लिखा था और कहा था कि ये प्यार जो है, प्यार पर जो मैं प्रभात बांदुल है, मैं उनसे एक तरफा प्यार करती हूँ और इस प्यार में आड़े आ रही है, दरअसल नौकरी, मेरी नौकरी मिल नहीं रही है और वैलेंटाइन डे पर, वैलेंटाइन डे सालों साल दर साल निकलते चले जा रहे हैं। दरअसल पिंकी ने जिस अंदाज में पत्र लिखा था वो गजब का वायरल हो गया, चारों तरफ उसकी चर्चा होने लगी। पिंकी टेंशन में है और पिंकी को प्यार चाहिए, पिंकी को अपना प्यार चाहिए, ये बातें वायरल होने लगी और उसके बाद पिंकी का लेटर, पिंकी ने जिसके नाम लेटर लिखा था, दरअसल पिंकी ने लिखा था कि वो एक तरफा प्यार करती है प्रभात से, प्रभात के नाम जो उन्होंने लेटर लिखा था, तो प्रभात जो जाने माने लेखक हैं प्रभात बांदुल, वो सामने आए और पिंकी को उन्होंने जवाब दिया है। पिंकी के लेटर का बिल्कुल पिंकी के अंदाज में ही उन्होंने जवाब दिया। जैसा कि आपने सुना, प्रभात बांदुल जो
औरंगाबाद के रहने वाले हैं और प्रभात ने पिंकी से ये कहा कि तुम्हारी चिट्ठी हर उस लड़की के लिए हिम्मत है जिसने अपने बाबूजी से कहा कि 2 साल रुक जाना पापा, जॉब लेवे ताना तब ब्याह करिया। मैं तुम्हारा हम सफर तो नहीं बन सकता लेकिन साथी जरूर रहूंगा। किसी रोज हम नजर आएंगे पटना की सड़क पर तुम्हारी आवाज बनकर। और इंतजार है बिहार दिवस 22 मार्च का, जिस दिन शायद तुम मुझसे मिलने आओगी। तो प्रभात बांदुल ने बिल्कुल पिंकी वाले अंदाज में, पिंकी ने दरअसल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जो लेटर लिखा उसमें बेरोजगारी की बात की और उन्होंने नौकरी नहीं मिलने की वजह से प्रपोज नहीं करने की मजबूरी जताई। तो कहीं ना कहीं ये जो बेरोजगारी पर भी सवाल खड़ा कर रहा था पिंकी का ये लव लेटर, तो प्रभात बांदुल ने अब जवाब दे दिया है। हालांकि उन्होंने कहा जाए तो प्रपोजल पिंकी का जो लव लेटर था, जो प्यार का इजहार था, प्यार का प्रपोजल था, उसको ठुकरा दिया है। लेकिन ये जरूर कहा है कि वो पिंकी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो आज अब प्रभात बांदुल वायरल हो रहे हैं। 14 फरवरी है और वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे का आखिरी दिन वैलेंटाइन वीक का, और प्यार इजहार का जो मौका है, तमाम तस्वीरें आ रही है। इस बीच प्रभात बांदुल का बिल्कुल ये खरा खरा प्रेम पत्र सामने आ गया है। पिंकी को उन्होंने कह दिया है कि टेंशन नहीं लेना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे जरूर मिलूंगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।